क्लास सेवन्थ, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टडीज़ में आज हम यूनिट नंबर वन फिजिकल स्टेट ऑफ द अर्थ के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज वी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, मंदरजे सवालात के जवाबात तफसील से दें। सवाल नंबर वन, डिस्क्राइब डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, ज़मीन की अंदरूनी जो सतह उसके मुख्तलिफ तहों के बारे में बयान करें। सवाल है, इसका आंसर है बुक पेज नंबर वन द अर्थ इंटीरियर। ठीक है, इसका पहले फोर्थ लेयर्स हैं। नंबर वन है इनर कोर, नंबर टू आउटर कोर। इसको आप पूरे कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। इनर कोर भी कंप्लीट होगा, आउटर कोर भी आपने कंप्लीट लिखना है। बुक पेज नंबर टू पे है, इसका थर्ड पार्ट है मेंटल्स। मेंटल आप लिखेंगे, द मेंटल इज़ आ 2900 किलोमीटर थिक शेल ऑफ द रॉक डेट इनक्लोज द कोर। इट इज़ कम्पोज ऑफ आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एलुमिनियम एंड मैग्नीजियम। द मेंटल इज डिवाइडेड इंटू टू लेयर्स, द लोअर मेंटल एंड द अपर मेंटल। ठीक है, मेंटल आप यहाँ तक लिखेंगे, आपको बुक में निशान नज़र आ रहा है, ठीक है, मेंटल की यहाँ तक लिखेंगे। नंबर फोर्थ है द क्रस्ट। ठीक है, फोर्थ लेयर है ना, पहले टू लेयर्स तो आपने कंप्लीट लिखनी है, जितनी बुक में दी गई आपने पूरी पूरी उनकी डेफिनेशन लिखनी है। थर्ड लेयर अपर मेंटल तक लिखनी है और द फोर्थ है द क्रस्ट। द क्रस्ट आप शुरू से लेकर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट थिकनेस रेंज फ्रॉम अबाउट 8 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर। द लैंड इज कम्पोज ऑफ द ग्रेनाइट, सेंडिमेंट्री रॉक्स एंड द मेटाफोरिक रॉक्स। इट इज़ कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द ओशन फ्लोर इज मेनली कम्पोज ऑफ बेसाल्ट। इट इज़ कॉल्ड द ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है, ये आप यहाँ तक लिखेंगे, ओशियानिक क्रस्ट तक। मैंने रीड करते वक्त आपको इसकी हर चीज़ डिटेल से बता दी थी, मीनिंग आपको अभी भी अपने इस वीडियो में बुक पे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर वन लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने अपनी SST की कॉपी पर इसको लिखना है। क्लियर हो गया? ठीक है, और साथ साथ इसको लिखते टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये लर्न भी हो जाएगा। ओके, सेवन क्लास, ये आपका होमवर्क है।